बहुत ही मजे की बनी है और बहुत ही झटपट तैयार हुई है। सुपर्ब। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सोनिया एंड वेलकम बैक टू फूड डायरीज बाय सोनिया यूट्यूब चैनल। तो ऑल माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं सब हैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हमारे किचन में बनी है फटाफट सी रफान पुडिंग। तो चलिए देखते हैं हमने इसे कैसे तैयार किया है। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेंगे एक पैन, इसमें ऐड करेंगे 1/2 लीटर दूध। अब इसे बॉयल आने देंगे। आपने बलाई के बगैर वाला दूध यूज करना है, बलाई वाला यूज नहीं करना। अगर दूध के ऊपर बलाई आई हुई है तो उसे उतार लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, दूध को बॉयल आ गया है। अब हम लेंगे रफान पुडिंग का ये पैक, इसको ओपन करेंगे। इसमें हमें दो पैक्स मिलेंगे, एक ये कैरेमल पैक है और ये रिफाइंड पुडिंग का पैक है, जिसको हम ओपन करके दूध में शामिल करेंगे। स्लोली स्लोली आपने सारा पैक दूध में डाल देना है। इसको ऐड करते हुए आपको तकरीबन 1 से 2 मिनट लग सकते हैं। इसको स्लोली स्लोली दूध में ऐड कीजिए और मुसलसल चम्मच हिलाते रहें। रफान पुडिंग का ये पैक 1/2 लीटर दूध के लिए है। आपने दूध की मेजरमेंट को पूरा रखना है। देखें फ्रेंड्स, स्लोली स्लोली हमने सारा पैक दूध में शामिल कर दिया है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और सिर्फ 1 मिनट के लिए पका लेंगे। फ्लेम को स्लो करते हुए इसे 1 मिनट तक मुसलसल चम्मच हिलाते हुए पका लीजिए। ये एक झटपट रेसिपी है। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे 1 मिनट तक पका लिया है। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम एक सांचा लेंगे और इसमें ये कैरेमल पैक डाल देंगे। कैरेमल पैक को सांचे में डाल दीजिए। पूरा कैरेमल पैक डालने के बाद आपने इसको थोड़ा सा हिला लेना है ताकि कैरेमल सारे पैन में फैल जाए। देखें कुछ इस तरह से। अब इसमें हम पुडिंग को डाल देंगे। स्लोली स्लोली आप सारी पुडिंग को इसमें डाल दीजिए। अब इसे 40 to 45 मिनट्स रूम टेम्परेचर पे रखेंगे, फिर उसके बाद हम इसे फ्रिज में रख के ठंडा कर लेंगे। तो मिलती हूँ मैं आपसे 45 मिनट्स के बाद। फ्रेंड्स, यहाँ 45 मिनट्स हो गए हैं और ये अच्छे से ठंडा भी हो गया है। अब हम इसे फ्रिज में रख के ठंडा कर लेंगे ताकि ये सर्व करने के लिए तैयार हो जाए। फ्रेंड्स, पुडिंग अच्छे से ठंडी हो गई है। अब हम इसके किनारों को अलहदा करेंगे और इसे सर्व करेंगे। छुरी की मदद से इसके किनारों को अलहदा कर लीजिए। अब एक बड़े साइज की प्लेट ले लें और इसको सांचे के ऊपर उल्टा करके रखें। आहिस्तगी से सांचे को उल्टाएं, थोड़ा सा टैप करें। फ्रेंड्स, हमारी झटपट रफान पुडिंग सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये बहुत ही मजे की बनी है और बहुत ही झटपट तैयार होती है। आप रफान पुडिंग को जरूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही पसंद की जाती है। अब मैं आपको इसे काट के दिखाती हूं। बहुत ही झटपट और बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जल्दी से तैयार हो जाने वाली रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी। आप रफान पुडिंग को जरूर ट्राई कीजिए और इसका फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।